फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनम, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी फैमिली GFE ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेनर्स एंड एक्सपर्ट्स, जहां हम आपके सपनों को साकार कर आपके बिजनेस को पहुंचाते हैं वैश्विक स्तर तक। तो हमारा चैनल और हमारी एप्लीकेशन GFE बिजनेस को इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि आपके सवालों का सटीक जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बातचीत करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम लागत लगानी पड़ती है और आप अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर पाते हैं। वैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जिसमें आप अक्सर इसलिए कदम नहीं रख पाते क्योंकि आपको इसकी नॉलेज ही नहीं होती, और आप सोचते हैं कि इसमें स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही कम लागत में अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। गारमेंट्स, जी हाँ, गारमेंट्स एक्सपोर्ट एक सस्ता और अच्छा एक्सपोर्ट है। इसमें आप जोन सिलेक्शन, मतलब कहाँ पर किस टाइप के कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, वहाँ बड़े ही आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हम फीमेल्स को इमिटेशन ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, तो सिर्फ पहनने में ही नहीं, बल्कि यदि आप चाहें तो आप इसके जरिए अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कम लागत ज्यादा बिक्री, आजकल के दौर में यूथ में इसकी बहुत डिमांड भी है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एक कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं। मेटलवेयर, वुडवेयर, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, शॉल्स, कारपेट्स और ऐसे बहुत कुछ। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हर जगह इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि ई कॉमर्स हो या B2B, सब में पैकेजिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और यही कारण है कि कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बिक्री इस प्रोडक्ट के जरिए आप कर सकते हैं। फर्नीचर, वैसे फर्नीचर को एक्सपोर्ट करना भी आपके बजट में आ सकता है। इसमें आप इंडिविजुअल बायर और डीलर से भी बात करके कस्टम फर्नीचर की डिलीवरी भी कर सकते हैं। अगला एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके जरिए आप कम लागत में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, वो है फुटवेयर। फुटवेयर में आप शूज, सैंडल्स, चप्पल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी डीलर से बंच ऑर्डर में टेंडर भी ले सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, वैसे इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है ये आइटम, बस थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी ज्यादा दिला सकता है। जी हाँ, कालीन भारत की खास कारीगरी होती है, इनमें घरों में, शहरों में, दुकानों में, हर जगह देखने को मिलती है कारीगरी कालीन की, जिसके जरिए कारपेट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी मेहनत से आपके मुनाफे का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस एपिसोड की ये इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगी। तो हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी क्वेरी, अपना सवाल हमारे कॉमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि आपके सवाल का सटीक जवाब सिर्फ हमारे पास है। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, जानेंगे हम आपके बिजनेस और आपके करियर के बारे में अपनी सभी जानकारियों के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।